और महादेव का? महादेव का हुआ ये, उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत मामा जी। जीरा जी तुम यही बैठो, मैं चाय बनाता हूँ, इनसे निपट लेता हूँ। ससुर जी पाए लागी, ससुर जी ठीक है। अरे अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं दो दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा तो सिर्फ दो दिन क्या? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ एक दो दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। दो दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है, चार दिन की जिंदगी मिली है, दो दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के दो दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस दो दिन से था, असली दो दिन से नहीं था? वही वाले दो दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ। अरे प्लेट ला, ये लो। अरे सारे खा गए। अरे ये वाइदा, अरे पायल है माँ जी। भाग हमारे कि आज 5 वर्षों के बाद आप हमारी बेटी को घर ले जा रहे आए हैं। हाँ मगर पिताजी ने कहा था कि साथ में ससुर जी को ये दहेज की लिस्ट भी याद दिला देना। क्या? अरे वो लालची बुड्ढा अभी तक दहेज को नहीं भूला। मैं पूछता हूँ मरकर क्या वो दहेज को अपने साथ ले जाएगा? मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो इन बुड्ढों को समझाता हूँ कि आए बुड्ढो दौलत की लालच छोड़ दो, मर के साथ नहीं ले जा सकते, मगर ये बुड्ढे मानते ही नहीं। है तो अपने बुड्ढे से जाकर कह दे क्या उसे इस घर से एक धेला भी दहेज नहीं मिलने वाला है। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और वैसे भी आजकल दहेज लेना और दहेज देना कानून जुर्म हो गया है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी जान दे सकता है लेकिन दहेज नहीं दे सकता। चलो जान दे दो। चुप, आप खाना पीना क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों बाद जवाहिरा घर आए हैं, जरा उन्हें आराम कर लीजिए, जलपान करने दीजिए, आते ही दहेज की महाभारत शुरू कर। जितनी बेटी को ले जाने के लिए थोड़े आया, ये तो आपने बुढ़े बाप के लिए दहेज मांग लिया है, लेकिन मैं भी दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अबे 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 ओ लुकी औरत, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हैं कि मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। उधर मेरा बाप बोलता है कि मैं बिना दहेज के बहू को घर में घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दोनों तरफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा का बैंड बज रहा है। तो मैंने भी फैसला कर लिया कि जब तक आप लोगों का फैसला नहीं हो जाता मैं भी आपके घर से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। अरे अनिल, वो अपनी छोटी छोटी गुड़िया, तुम्हारी बहन सुमन, वो कहाँ है? मैं भी कितना गधा हूँ, इतनी सी बता रहा हूँ, अभी इतनी बड़ी हो गई होगी, शादी हो गई होगी, ससुराल चली होगी, है ना? हाँ वो। तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? सुमन कहाँ है? पिताजी सुमन, सुमन इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये क्या हुआ, क्या था सुमन को? कुछ भी नहीं, मैं यहां से इम्तियाज मीना शहर चला गया था। एक दिन वो नदी में नहाने गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। नदी किनारे सिर्फ उसकी चप्पल और ओढ़नी मिली थी, अब सुमन सिर्फ एक याद बनकर रह गई। मैं गोपाल दास जी के लड़के की बात कर रही थी। देखो दरबला, तुमने अगर बुला ही लिया है तो उसे हम अपने ऑफिस में कोई नौकरी वोकरी दे देंगे। अरे मैंने उसे नौकरी करने के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर हमें मोना के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश है ना, इसी सिलसिले में मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, आई सी। इसीलिए गोपाल राज जी उस दिन वो जो घर जमाई का चक्कर चला रहे थे वो उनके बेटे के लिए था, इस बहाने वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। इसमें उल्लू सीधा करने की कौन सी बात आई? अरे हमें मोना के लिए एक अच्छे लड़के की जरूरत तो है ही ना। जरूरत थी लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि मोना ने अपनी पसंद का लड़का तलाश कर लिया है। क्या तुम उस कंगाल भिखारी अनिल की बात तो नहीं कर रहे हो? मम्मी चुप रह तू, मुझे पहले से ही पता था अनिल एक 420 इंसान है, वो मोना से शादी करके हमारी जमीन जायदाद हड़पना चाहता है। नहीं, वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। देखो निर्मला, अनिल के बारे में तुम्हारी कुछ गलतफहमी हो रही है, वो एक अच्छा नेक और शरीफ लड़का है। हाँ वो गरीब और अनाथ जरूर है लेकिन ये कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अनिल इस घर में दामाद बनकर नहीं आएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। निर्मला
अरे मोना, तू क्यों मायूस होती है? मोना, देख बेटी, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तू क्यों चिंता करती है? देख, मैं तुझे वादा करता हूँ कि तेरी शादी सिर्फ अनिल और अनिल के साथ ही होगी, ठीक है? सच डैडी? हाँ सच। हिसाब तो कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। 400। ये क्या? हिसाब तो कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ, तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लिख के लाया हूँ। मुझे डायलॉग वाला नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए। आगे शंकरलाल 150 रुपए। बस इतनी, ठीक है, चलो 950 निकालो। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और कहे का आगे का हिसाब, इतनी गुरानी करनी थी? बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा, आज तो फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्री राम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला, मगर उसके बेटे को देखे मैं थोड़ा सा पिघल गया था। वो क्या है, बहुत सख्त बीमार था, ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घर का इकलौता चिराग है, मैंने उस चिराग को बुद्धि से बचा लिया। क्या मतलब? मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949.80 रुपए खर्च हो गए, बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। काम है अरे सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दामाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं की हट। अभी चलो, अभी मैं कहता चलो। मेरी नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ। अबे उठ, मैं कहता हूँ। अरे उठता हूँ क्या, कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। एक मिनट ये मंगल सूत्र उतारने दो। चल। क्या आदमी है? अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा। और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। जी, आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं मुंह में फ्लेट मार लूंगा, घास लेकर छिड़क लूंगा। चले। कौन है बे? दुर्ग प्रसाद जी, दुर्ग का भंडार हमारे घर में। पधारिए पधारिए पधारिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जेठ जी, आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पांव से लिपट जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं जेठ जी, मैं सच कहता हूँ, मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूं आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूं। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों, क्या क्या उसका मकसद है? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया? मैं अभी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधु राम जी। दरअसल मेरी इकलौती बेटी मोना के लिए मैं अनिल का रिश्ता मांगने आया हूँ। जी ऐसा, यानी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है, और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और या क्या करूँ। आप बैठे क्यों, खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए ना, मैं अभी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। हाँ जी जी, फरमाइए। शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सेठ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं नहीं, कहिए। इस फैसले के लिए मुझे अपनी घरवाली से जरा राय लेनी पड़ेगी। नहीं, जरूर लीजिए। हाँ बैठिए ना। हाँ जी, सुनती हो, सुनती हो, आज ही सुनती हो। यहाँ तो कोई नहीं है,
तो अच्छा हुआ, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो, इस शहर के सबसे बड़े रही सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, उसे अपने घर के भाई बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी अक्कल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब दो पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं हो, वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अरे वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे, सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा, एड़ी और रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जाओ जाओ कर, इनकार कर जाओ। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूँ? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर, तुम डालोगे क्या? अरे तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो, माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है, अब तुम कहते हो तो ज्यादा बढ़ती जा रही हूँ। मेरा घर भर जाने दो, मेरी पुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो। और पैसे किधर, और पैसे किधर? नहीं, बाद में लूंगा। जाओ, जाकर हाँ कर दो, मैं राजी हूँ, जाओ। सेठ जी, मैंने अपनी घरवाली को राजी कर लिया है। बहुत अच्छे, बस अब यूं समझिए कि रिश्ता तय हुआ ही हुआ। साधुराम जी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है, ये 1,00,000 रुपए का चेक है। क्या हुआ साधुराम जी, क्या हुआ? जी, कुछ नहीं, बस बेटा दिल और घर से जुदा हो रहा है ना, उसी काम में बस चक्कर आ गया। अरे जी, अनिल बेटा भी आ गया। नमस्ते। अरे नमस्ते से काम नहीं चलेगा बेटा, सेठ जी के पांव छूकर इनका आशीर्वाद लो, ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और हमने उसे मंजूर कर लिया है, चलो पांव छुओ। नहीं बेटे, जीते रहो। साधुराम जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हाँ बेटा, सेठ जी को बाहर छोड़ कर आओ। बेटे बैठो, तुम, मैं चला जाऊंगा।